Hello students, welcome to Vanshita classes. Today we will discuss about ascending and descending order in fraction. आज हम fraction chapter का एक topic कर रहे हैं ascending and descending order, आरोही और अवरोही क्रम. देखिए आज मैं आपको first of all बिल्कुल easy method बताऊंगी कि in case हमारे पास जब denominator देखिए same है 6 है उस कंडीशन में हमें असेंडिंग ऑर्डर किस टाइप से फाइंड करने हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर किस टाइप से. आपको पहले पता होना चाहिए असेंडिंग मीन्स अप एंड डिसेंडिंग मीन्स डाउन. तो देखिए जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, कंपेयर में भी मैंने आपको बताया हुआ एक वीडियो में है कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा जो न्यूमिनेटर सबसे छोटा होता है वो हमारा छोटा ही रहता है और जो हमारा बड़ा होगा वो हमारा बड़ा ही रहेगा. देखिए असेंडिंग अप जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा वन सबसे स्मॉल है 1/6 देन 2/6 देन 3/6 एंड देन 14/6. ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग में क्या होगा अपोजिट हो जाएगा डाउन, मतलब पहले जो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा 3/6 2/6 एंड 1/6. ये कंडीशन हम कब यूज करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम. क्या होंगे डिनोमिनेटर सेम. नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया है न्यूमिनेटर को सेम. न्यूमिनेटर क्या है हमारे सेम. उस कंडीशन में क्या रूल अप्लाई होगा वो देखिए. जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होंगे उस कंडीशन में जो हमारा नीचे से बड़ा होगा डिनोमिनेटर लाइक 13 और 17, 17 ग्रेटर है ये हमारा क्या बन जाता है छोटा बन जाता है. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे 7/17 देन 7/13 7/9 एंड 7/5. नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब डाउन. अब देखिए डाउन पहले क्या होगा सबसे बड़ा आएगा. अभी मैंने आपको बताया जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं जो हमारा स्मॉल होगा डिनोमिनेटर वो क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है. तो 7/5 क्या हुआ हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 7/9 7/13 एंड 7/17. अब देखिए मैंने आपको जब डिनोमिनेटर सेम थे वो क्वेश्चंस बताए हैं, न्यूमिनेटर सेम हो तो वो बताया है. अब मैं आपको बताऊंगी जब न्यूमिनेटर भी सेम ना हो और डिनोमिनेटर भी सेम ना हो तो उस कंडीशन में कौन सा रूल आपको फॉलो करना है. देखिए अब इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका क्या लेना होगा हमें एलसीएम लेना होगा. तो एलसीएम लेंगे हम 2 4 8 2 6 12 2 3 6 2 2 4 देन अगेन 2 2 4 2 3 6 3 सेम एंड 2 1 2 अगेन 2 1 2 3 सेम एंड 1 नेक्स्ट 3 1 3 3 1 3 एंड 1 देन मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 2 2 4 4 2 8 देन 8 3 24 24 क्या हुआ हमारा एलसीएम. अब हम क्या करेंगे हमारे जो डिनोमिनेटर डिफरेंट थे उनको हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, मतलब सेम बनाएंगे. सेम बनाने के लिए देखिए 8 है 8 को हमें क्या बनाना होगा 24 जो हमारा एलसीएम आएगा. अब 8 को मैं किस नंबर से मल्टी करूं कि वो 24 बन जाए 3 तो सेम ही नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टी. देन 12 है 12 को किससे मल्टी किया जाए 24 बनेगा 2 से देन न्यूमिनेटर को भी 2 से. अब 6 के टेबल में देखिए 24 6 4 24 4 6 24. अब देखिए 1 मल्टी 3 देन 3 8 3 24 3 2 6 अपॉन 24 2 4 8 अपॉन
20, 5 6 30 upon 24। अब देखिए सभी हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम 24। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं हम असेंडिंग। अब जाना है पहले देखिए सबसे स्मॉल 3 upon 24, 6 upon 24, 8 upon 24 एंड लास्ट वन इज 30 upon 24 इज आवर आंसर। आपको इसी से रिलेटेड मैं कुछ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए दूंगी, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिए, और कुछ समझ आया हो इस वीडियो को देखकर तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।